आपके सभी व्यूअर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप यूज कार लेना चाहते हैं या लेने का प्लान भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कर देना। इसमें इतनी सारी कार्स और इतनी वैरायटी ऑप्शंस दिखाएंगे कि आपको कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर पसंद आ जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ये क्या नितिन गडकरी साहब से कोई डायरेक्ट बातचीत हो रही है क्या? क्या उन्होंने आपको मैसेज दे दिया कि परेश ईवी करना है अब हमने? इतनी ईवी, 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट आ जाओ जी, रेड कलर। अब हम बात करते हैं अनरजिस्टर्ड कार जो कि हमेशा स्कोडा की और आने वाले टाइम में एमजी की मिलती है, जूम व्हील्स पर अनरजिस्टर्ड है। आपने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया है? अगेन अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है, मतलब आपको जूम व्हील्स पर स्कोडा एमजी और रेनॉल्ट की अनरजिस्टर्ड कार तो अवेलेबल मिलती है। अनरजिस्टर्ड रेनो की भी गाड़ी जूम व्हील्स पर मिल जाती है, टाइगर है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मार्केट के ब्रांड न्यू वीडियो में। इस सनी डे में लेके आ चुके हैं बेस्ट डील, बेस्ट क्वालिटी। अगर क्वालिटी की बात आती है यूट्यूब पे तो नाम आता है जूम व्हील्स का, और जूम व्हील्स पे मिलते हैं हमें परेश भाई जो आपको देते हैं बेस्ट डील, बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी। आप लोग यहाँ पे कभी भी आएंगे आपको बेस्ट गाड़ियाँ मिलेंगी। तो इस बार जूम व्हील्स से क्या क्या मिलेगा सबको एक बार हेलो करके बताओ। पहले तो आपके सभी सब्सक्राइबर को हेलो है। आज हम जो आपको दिखाएंगे क्वालिटी के साथ वैरायटी और ऑप्शंस भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने आपको एक गाड़ी का एक ही ऑप्शन दिखाया। अगर हमारे पास कोई एक गाड़ी है, सपोज एक्सयूवी है, तो उसके 2-3 ऑप्शन दिखाएंगे, वेरिएंट भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आज आपको हम क्वालिटी के साथ साथ ऑप्शंस भी दिखाएंगे। लोग फाइनेंस का बहुत पूछते हैं, एक बार फाइनेंस क्लियर सर, पैन इंडिया फाइनेंस करा देंगे, दिल्ली एनसीआर नहीं, पैन इंडिया फाइनेंस करा के देंगे। प्रोफाइल अच्छा दे देना, 80-90% तक हम आपको लोन करा देंगे। क्या हमारे यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस भी है? कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी इरफान भाई के चैनल से आएगा, अगर उन्होंने बता दिया कि मैं एमसीएमआर से हूँ, तो उन्होंने ट्रांसफर चार्जेस, एनओसी चार्जेस नहीं देने। याद रखें, जो भी ये बोलेगा कि एमसीएमआर से हूँ मैं, तो उनको ट्रांसफर चार्जेस और एनओसी चार्जेस नहीं पे करने, उनके वो इंक्लूड है प्राइस, इंक्लूड हो जाएंगे डील के। चलो आ जाओ सर, सबसे पहली डील देखते हैं। यहाँ पे 3-3 वैरायटी आपको दिख रही है। एक्सयूवी 700, पहली वैरायटी। सबसे पहले देखो 2021 मॉडल है, एक्सयूवी 700 है, AX7 है, टॉप से एक नीचे है, शीशे में थोड़ी दरार आपको चेंज होकर मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, हम पहले नहीं कराते, कस्टमर को लगता है कि जैसे गाड़ी एक्सीडेंट, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन, तो जेन्युइन कंडीशन है। हम शीशा जब डिलीवरी के टाइम चेंज होकर मिलेगा। 60,000 से 62,000 गाड़ी चली हुई है, सिंगल ओनर है गाड़ी, बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है क्लाइंट ने। पैसों की बात करें तो 19 लाख रुपीज की जूम व्हील्स पे एक्सयूवी 700 AX7 मिलती है, दिल्ली एनसीआर में इस प्राइस में नहीं मिलेगी। एक 9 नंबर और होता तो वैल्यू क्या हो जाती इस गाड़ी की, कम से कम 4-4.5 लाख रुपए बढ़ जाते। इसका इंटीरियर मुझे ऐसा तो देखा नहीं सर, ये लग्जरी वाली है। AX7L है, 2021 है, नवंबर दिसंबर की है, सिंगल ओनर है ये, चलिए 32,000 किलोमीटर। ये गाड़ी मिलती है हमारी 23 लाख रुपए की शॉर्टकट डील के अंदर, मतलब 23.5 मांगते हैं तो 23 लाख रुपए की हम ये गाड़ी देते हैं। यस नो, ठीक है जी, अगली आ जाओ जी, HR नंबर ले लो जी। ये है AX7, लग्जरी लाइन से नीचे वाला वेरिएंट है, टॉप ही टॉप में दो आते हैं, AX7 AX7L। तो AX7 है, 2022 है, 21 की जगह 22 है, पेट्रोल है, 20,000 चली है, सिंगल ओनर है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, ये गाड़ी भी हम आपको 23 लाख रुपए की देते हैं, सिर्फ 20,000 चली, एक्सयूवी 700। इसमें भी देखो आप आ रखे हैं, ये कई बार क्या होता है, धूप बहुत ज्यादा है तो हमारे क्रैक्स हो जाते हैं, लेकिन हम चेंज करके देंगे। इनोवा में 3 है जी, इनोवा क्रिस्टा में 3 ऑप्शन देंगे आपको, तीनों अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले हम आपको जी वेरियंट में 2021 मॉडल दिखाएंगे, डीजल दिखाएंगे, सिंगल 50,000 ऑन रिकॉर्ड है, ये BS6 इंजन के अंदर गाड़ी है। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें तो जूम व्हील्स में गाड़ी मिलती है 18.5 लाख रुपए की। वेरी गुड जी, अब नेक्स्ट आ जाओ जी। दूसरा ये भी BS6 ऑप्शन है, दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है, 2020 है, GX ऑटो है, 45,000 विद सर्विस रिकॉर्ड है। ये गाड़ी मांगते हम 19 लाख है, लेकिन 18.5 लाख रुपए की देते हैं, और डॉटलेस कार है, मतलब अब आप इसमें ढूंढोगे की गाड़ी कहाँ से पेंट है, कहीं से नहीं, डॉटलेस BS6 ओरिजिनल। मतलब अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हो, प्रॉब्लम होती है ना बार बार की बंद हो जाती है BS4 ही, ये तो सही कह रहे हैं, BS6 से आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर से बाहर वाले भाइयों के लिए भी ले आया हूँ, BS4 2019 गाड़ी चली लगभग 85,000। जूम व्हील्स पे मीटर टेम्परिंग नहीं होती है, ओरिजिनल मीटर के साथ मिलेगी, सिंगल ओनर मिलेगी, गाड़ी अच्छी मेंटेन है, गाड़ी का प्राइस भी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख और 75,000 रुपए में जूम व्हील्स पे मिलती है। थोड़ा बहुत मान सम्मान, लेकिन MCMR आप बोलोगे तभी मान सम्मान होगा, तभी आपको NOC फ्री मिलेगी, तभी आपको ट्रांसफर फ्री मिलेगा। ये क्या नितिन गडकरी साहब से कोई डायरेक्ट बातचीत हो रही है क्या? क्या उन्होंने आपको मैसेज दे दिया कि परेश ईवी करना है हमने? सर देखो, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी दो, इसमें भी ये कह रहा है कि 5 और आनी है।
पाइपलाइन में 3 से 4 मिनिमम पाइपलाइन में हमारे पास। तो डील क्या, मतलब दो तो रेडी हो रही है। डील छोड़ो, ये ईवी पे भी वैंसी नंबरों का शुरू हो गया क्या मैटर? स्वैप नंबर है। अच्छा अच्छा, ये अगर कोई क्लाइंट लेना चाहता है तो इसको गाड़ी के साथ साथ नंबर भी मिलेगा। अच्छा जी। आज अगर आप इस गाड़ी को नंबर दिल्ली नंबर लेने जाते हो तो 2 लाख रुपए की मिनिमम बिडिंग है, उसके बाद बिड स्टार्ट होती है। लास्ट टाइम का डाटा दे रहा हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए के बीच में नंबर गया है। लास्ट टाइम का डाटा जो मार्च में रिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड प्राइस जो है 3.5 से 4 के बीच में ऑक्शन में गया है, एक्यूरेट नहीं बताऊंगा। तो अब ये 7 दे दोगे नंबर, ये बताओ। ये 7 मिलेगा गाड़ी के नंबर। बस बढ़िया होगी बात। 2020 मॉडल है गाड़ी, चलिए लगभग 60,000। नेक्सोन ईवी एक्सजेड आती है, प्लस वेरियंट होता है, विदाउट सनरूफ वाली आती है, सिंगल ओनर है, और गाड़ी मात्र और मात्र हम देंगे 11,50,000 रुपए की, जिसमें विद नंबर देंगे। अब आप इस नंबर की कीमत 2 लाख लगाओ, आप लगाओ 1 लाख, बहुत बढ़िया, फ्री हो गया आपके लिए 3-4 लाख रुपए का नंबर। दो 2022 मॉडल की नेक्सोन इलेक्ट्रिक है, एक्सेट प्लस है, प्राइमी वेरिएंट है, ये भी सिंगल ओनर है, 20-22 हज़ार, चलिए 12,40,000 की गाड़ी मिलती है। फाइनेंसेबल होती है भी सर सारी गाड़ी, 100% 90% to 100% मैं फाइनेंस करा के दूंगा, दिल्ली एनसीआर नहीं पैन इंडिया फाइनेंस करा के दूंगा, आप जहां मर्जी हो वहां पे हम फाइनेंस करा देंगे। नेक्स्ट टीवी ये सनरूफ के साथ है, 2021 मॉडल है, एक्सेट प्लस है, सनरूफ है, ये भी 12,40,000 की देंगे, ये चलिए सिर्फ 30,000, बस 30,000 प्लस पॉइंट है, सनरूफ आ गई। अब ये विदाउट सनरूफ, ये 20 मॉडल है, 20 मॉडल मेरे पे 2-3 ऑप्शन है, कोई 50 चलिए, कोई 40 चलिए, लगभग 10-60 से 10-80 की रेंज में है। डिटेल्स के लिए आप हमारा कैटलॉग भी चेक कर सकते हैं। 20 है, 20 मॉडल है, ये हमारे, ये भी 20 है, 20 है। अब इसमें कलर आ जाओ, अब अगर हम आपसे कहते हैं एक मैक्स भी चाहिए, इसमें फर्क तो बता दो, मैक्स में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इनकी रेंज की गेम होती है। एक गाड़ी बताती कंपनी 325 है, चलती 225 से 250 से, ठीक है, और एक कंपनी बताती 450 चलती है, जो कहते हैं मैक्स, ये है वो, ये इससे ऊपर है, प्राइम से ऊपर रहती है मैक्स, प्राइम ये है, तो ये है भैया मैक्स हो गई। इसमें क्या होगा, रेंज 450 बोलते हैं, लेकिन चलती है 325 से 350 सेफ चल जाती है, 350 ही बहुत है वो एक चार्ज में। और इसमें जैसे ये गाड़ी है, इसके अंदर हमें फास्ट चार्जर भी मिलता है, सपोज आज हम घर पे गाड़ी चार्ज करते हैं 8-9 घंटे लगते हैं, ये गाड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, फास्ट चार्जर घर पे फास्ट चार्जर 50,000 रुपए का आता है, वो इंक्लूडिंग रहता है इस डील में। ये बढ़िया भाई। तो 2023 मॉडल है, 7,000 चली है, नेक्सोन ईवी मैक्स है और लक्स एडिशन है, एग्जेक्ट प्लस में टॉप मॉडल, इसमें लग्जरी एडिशन भी आता है, जैसे XUV 700 में आता है, ये 14,65,000 रुपए की यस नो में मिलते हैं, जिसके अंदर 50,000 का फास्ट चार्जर भी इंक्लूडेड है, ये भी सेम ही है, ये आपको 10,60,000 में दे देंगे। 20 मॉडल है, 50,000 चली है, लेकिन ये भी यही वाली है ना, प्राइम है सर, प्राइम। अच्छा प्राइम, मैक्स हमारे पे सिर्फ एक है, अच्छा, एक और है, एक और है अभी आपको, वो भी इसी वीडियो में लास्ट में दिखाएंगे। लो जी आ जाओ, अब ये आ जाओ जी, ये है बहुत अच्छा प्रोडक्ट, जो समझते हैं वो समझते हैं, परेश भाई हमें समझाएंगे पहले तो इस गाड़ी के बारे में कुछ बात। दोनों टाइगून है, फॉक्स वैगन की गाड़ियां हैं, दोनों 22 मॉडल है, दोनों सिंगल ओनर है, दोनों हाईलाइन है, दोनों पेट्रोल है, और दोनों गाड़ियां 12,40,000 की हमारी डिमांड है, 12-12 लाख रुपए में जोन सी पसंद आ जाए आप वो गाड़ी ले सकते हैं, दोनों नेक्स्ट टू न्यू कार्स हैं। चलिए कितनी होंगे अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 17,000 और 22,000। ईवी का एक और फायदा बताए तो, जो इलेक्ट्रिक कार है, सपोज हम राजस्थान रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में आपको आरटीओ टैक्स दोबारा पे नहीं करना पड़ता। सपोज आपने जूम बिल से गाड़ी परचेज करी, टाटा नेक्सोन ईवी, हाँ जी, आपको यहाँ से एनओसी मिल जाएगी। okay. आप अपने राजस्थान में जो भी स्टेट है आप ले जाके गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे, 1,000-2,000 रुपए चार्ज पे करना है, जो नॉमिनल फीस है, फीस है, आरटीओ चार्जेस इसको दोबारा नहीं देना पड़ता, ये पॉलिसी के अगेंस्ट रहता है, तो कोई भी आपको आरटीओ चार्ज नहीं देना, तो आप ये समझो जिस रेट में आपको गाड़ी मिल रही है स्टेट का आपका नंबर लग जाएगा, आपका स्टेट का नंबर लग जाएगा। हमसे बहुत से लोग राजस्थान ले जा चुके हैं, बहुत जा रही है, जैसे यूपी में भी कहीं जा रही है, तो आपने आरटीओ टैक्स नहीं पे करना। बहुत बढ़िया। तो कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, ईवी को आप ये डर रहे हो कि दिल्ली नंबर नहीं चलाऊंगा, तो अपने स्टेट में रजिस्टर करा लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन होगी अपने स्टेट में, आप अपने स्टेट में पहले ये पॉलिसी रूल पता कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास परचेज कर सकते हैं। 2022 मॉडल है, स्टाइल है, ऑटो है, 1 लीटर है, सिंगल ओनर है, इसमें आपको 6 एयरबैग, वेंटिलेटेड सीट, स्टीयरिंग कंट्रोल, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सर्विस पैकेज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। करेक्ट है। गाड़ी का अगर हम प्राइस की बात करें तो मात्र और मात्र 14 लाख रुपीज में गाड़ी जूम व्हील्स पे अवेलेबल, नहीं लेने का मन हो तो अराउंड 20 लाख रुपीज, आइडिया बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, पर 20 लाख के आसपास मिलती है। ये 12.5 लाख रुपए में दे दूंगा। 2022 मॉडल एम्बिशन है, 10-12 हज़ार चली है, सिंगल ओनर है, पेट्रोल की कार है, सारी पेट्रोल की होने वाली है। ये नेक्स्ट, अब भाई को किसी को ऑटो चाहिए, वो 22 दिखाई थी, ये 23 है। ओके, अच्छा 23 आ गई, 23 है, सिंगल ओनर है, ऑटो है, लगभग गाड़ी चल गई है 8,000 के आसपास, और ये 15.5 लाख रुपए में जूम व्हील्स में अवेलेबल है, जिसके अंदर इसमें भी 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं। लो जी एक और कलर ऑप्शन, ये भी एम्बिशन है, 22। अगर 22 मॉडल के अंदर एम्बिशन है, सिंगल ओनर है, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है, और इस गाड़ी का प्राइस, गाड़ी चली है ये लगभग 60,000 विद सर्विस रिकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ 9,99,000 रुपए में आपको स्कोडा कुशाक दे दूंगा, वो भी एम्बिशन मॉडल, नई गाड़ी 16,50,000 रुपए की मिलेगी। 9,99,000 रुपए की, बताओ कहाँ मिलती है सर एक गाड़ी, ये दिखा दो, ये भी जा रही है, ये भी जूम व्हील्स पे अवेलेबल है, ये यही लग रही है। क्या बात है, कलर अच्छा है, अभी आपको इसकी भी डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, रेड कलर। अब हम बात करते हैं अनरजिस्टर्ड कार, जो की हमेशा स्कोडा की और आने वाले टाइम में एमजी की मिलती है जूम व्हील्स पर, अनरजिस्टर्ड है, 1.5 लीटर में ऑटो ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन है। 18-20 हजार गाड़ी चली है। गाड़ी का अगर हम प्राइस की बात करें तो जूम व्हील्स पे 16,99,000 की मिलेगी, जिसके अंदर इंक्लूडिंग आरटीओ, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस दिल्ली का देंगे या एनसीआर का देंगे। okay. अब कोई क्लाइंट मेरा बाहर रहता है, वो अदर स्टेट से है, तो हम इसमें आरटीओ लेस कर देंगे। मानो 17 लाख रुपए मांग रहे हैं, इसमें 2 लाख रुपए आरटीओ लग रहा है, तो उनके लिए 15 लाख रुपए की पड़ेगी। इंश्योरेंस करा के दे देंगे उनको, वो आरटीओ में अपने आरटीओ जहां मर्जी जाके रजिस्टर कराए, अब वो वहां पे आरटीओ 2.25 या 2 हमें। तो ये भी यही सेम डील है, ये 14 लाख रुपीज की देंगे। ये 1 लीटर में मैनुअल ट्रांसमिशन है, बट टॉप एंड मॉडल है, स्टाइल सिंगल, ये अनरजिस्टर्ड है। ये 21 मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, ये 21 मैन्युफैक्चरिंग ये मिलेगी। अब इसमें 1 लीटर के साथ साथ आपको 1.5 भी दे देंगे, ये भी 21 है। 8-10 हजार चली भी है। वेंटिलेटेड सीट, 6 एयरबैग, इसमें सिर्फ आपको जो मिलता है पावर अच्छी मिलती है 1.5 लीटर। तो ये मैन्युफैक्चर जैसे थोड़ी ऐसे 22 है 21 है मैन्युफैक्चर, तो नई गाड़ी से 5-1 लाख रुपए का फर्क मिलेगा, आराम से मिलेगा, ज्यादा भी मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 15,75,000 में मिलती है, ये भी सेम अगर आप अदर स्टेट पे रहते हैं तो आपको लेस मिल जाएगा। और ये एमजी अनरजिस्टर्ड, इसके अंदर देखो ये भी एमजी अनरजिस्टर्ड है, आप अदर स्टेट रहते हैं आप ये भी ले सकते हैं, इसमें भी आरटीओ लेस करेंगे। अभी हम टोटल डील बता रहे हैं, 2021 मॉडल है, एस्टर है, 1.3 टर्बो अडास फीचर वाली है ये, सबसे टॉप एंड मॉडल, सिंगल ओनर है, शार्प वेरिएंट आता है जिसमें आपको ग्लास टॉप मिल जाती है, ऑटो ट्रांसमिशन सीवीटी मिलता है। चली लगभग होगी गाड़ी 20-22 हजार किलोमीटर, प्राइस 15-40 की ऑन रोड दिल्ली एनसीआर के लिए देंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं लगभग 1,80,000 रुपए लेस हो जाएंगे इसके अंदर। 2017 ई प्लस डीजल 60-65 हजार चली, जेन्यून सिंगल ओनर, मात्र 7,75,000 की। और सुनो फैंसी नंबर, गाजियाबाद नंबर और फैंसी नंबर, आजकल गाजियाबाद में भी नंबर रिटेन होना स्टार्ट हो गया, 3 साल रख लोगे गाड़ी तो नंबर रिटेन है। 2019 मॉडल ये दिल्ली एनसीआर वाले भाइयों के लिए, ब्रांड न्यू 19 ड्यूल टोन सिंगल, इसके अंदर जो आता है टॉप मॉडल SX ऑप्शनल ऑटो सनरूफ के साथ आती है, और सिर्फ ये गाड़ी मिलेगी आपको 8,60,000 रुपए में। ये गाड़ी कुछ अलग ही शेप की लगती है, आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसने ये रेनॉल्ट की गाड़ी परचेज करी है उसने कभी सेल करी नहीं है, क्योंकि इतनी बढ़िया गाड़ी है, रेनॉल्ट की कैप्चर है। जिस बजट में मैं गाड़ी दूंगा उस बजट में आप इतने फीचर्स किसी गाड़ी में नहीं ला पाओगे। प्रोजेक्टर लैंप, DRL, अंदर आप देखोगे रेन सेंसिंग वाइपर, क्लाइमेट कंट्रोल, AC, सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, एयरबैग्स भी मिलते हैं। 2018 मॉडल है, कैप्चर है, RXT है, सेकंड ओनर है, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी लगभग चली है 60-65 हजार, और प्राइस मात्र और मात्र 5.25 लाख रुपए में। 5.25 लाख रुपए में कहा है सर, कैप्चर और जितने फीचर्स है कहीं नहीं ढूंढ पाओगे इतने पैसे। इसका तो 1 लाख देखिए, अगर अपने वो कराए तो लोन भी ज्यादा। सर मैं कह रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए में देना, मुझे 11,000 रुपए दो, मैं साला 5.5 लाख रुपए का लोन करा दूँ। क्या बात है भाई, अगली आ जाओ। अनरजिस्टर्ड रेनो की भी गाड़ी जूम बिल्स में मिल जाती है, काइगर है, 2021 मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है, RXZ है, टर्बो है, सिंगल है, टॉप मॉडल है। टर्बो एक अलग फीचर है, दो इंजन आए इसमें, RXZ और RXZ टर्बो। इससे महंगी है, इससे तो बहुत महंगी है, और प्राइस आपको देंगे 8,60,000 में, जिसमें रजिस्ट्रेशन RTO इंश्योरेंस इंक्लूड है। बहुत बढ़िया, अगली सेम ही है, सेम डिटेल है, 2021 मॉडल है, RXZ है, फैंसी नंबर के साथ है, ऑटो ट्रांसमिशन में है, ऑनर सीरियल सेकंड है, और ये गाड़ी हम देंगे जूम व्हील्स पे 6.25 लाख रुपए की। नेक्स्ट WRV है, VX है, सनरूफ है, 17 है, 6,35,000 रुपए में दे देंगे। तो अब आ चुकी है MG की और गाड़ी है, जिसमें MG की 2-2 हेक्टर खड़ी है। अब भाई से पूछते हैं, आपने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया है, अगेन अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड हेक्टर, मतलब आपको जूम व्हील्स पर स्कोडा, MG और रेनॉल्ट की अनरजिस्टर्ड कार्स अवेलेबल मिलती है, और टाटा के लॉट्स मिलते हैं। तो डील क्या मिलती है इसकी? 2021 मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है, डेमो व्हीकल है, गाड़ी चली है लगभग 21,000, ठीक है, गाड़ी की कंडीशन नेक्स्ट टू न्यू है, फोटोज कैटलॉग पे अपलोडेड है। प्राइस की बात करें, सबसे पहले बताया तो वेरिएंट शार्प CVT ऑटो टॉप मॉडल है, ठीक है, सिंगल ओनर बायर बनेगा, RTO और इंश्योरेंस के साथ हम गाड़ी देंगे, सब कुछ इंक्लूड है, 16.5 लाख रुपए की मात्र। और ये कितने की देंगे? अब कस्टमर चाहता है रजिस्टर्ड कार लेना, तो 2022 सिर्फ और सिर्फ 4500 किलोमीटर चली बस, शार्प CVT ऑटो 4500 सिंगल ओनर। प्राइस की बात, 19 लाख रुपीज की डिमांड है, 1850 की यस नो में मिलती है जूम व्हील्स पर, ठीक है, 25 लाख रुपए खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इधर, 22 मॉडल ही है, लगभग 25,000 चली होगी, 20-25 हजार, सिंगल ओनर है, HR13 है, बहादुरगढ़ का नंबर है, सिंगल ओनर है, अल्फा टॉप मॉडल, मात्र और मात्र 11,20,000 रुपए में 7 सीटर कार मिलेगी जूम व्हील्स। ये है असली जेट, जो मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी कार है, टाटा नेक्सॉन की ईवी, TJET एडिशन, हैशटैग जेट भी लिखा हुआ है, ये जेट एडिशन है, इसके सीट्स पे भी जेट लिखा होता है, कलर भी अलग बनाया गया है, ये सिंगल कलर आपको मिलेगा, नॉर्मल किसी और कार में नहीं मिलता ये। मैक्स एडिशन में आता है, जो टॉप मॉडल आता है, जिसमें आपको लग्जरी फीचर मिलते हैं, सनरूफ मिलता है, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। पार्टी ने अपग्रेड कर रखा है, 360 डिग्री कैमरा लगा रखा है, टच स्टीरियो बड़ा वाला लगा रखा है। प्राइस क्या दे रहे हैं? डिटेल बताता हूँ, पहले 2023 है, 12,000 किलोमीटर चली है, नेक्सॉन ईवी मैक्स TJET एडिशन टॉप मॉडल सनरूफ वाली सिंगल ओनर, मात्र और मात्र 15,35,000 रुपए की गाड़ी मिलती है, न्यू कार 20 लाख रुपए की मिलती है। ये इनके बीच में ये 90 क्या कर रही है? हमारे पास, इनके प्राइस किए गए, हमारे पास एलिफेंट भी अवेलेबल है,
XC90 है, 2016 है, ऑनर सीरियल सेकंड है, इंस्क्रिप्शन वेरिएंट है, गाड़ी का नंबर फैंसी है जो कि नहीं मिलेगा, कस्टमर रिटेन कराएगा। दिल तोड़ दे यार। प्राइस 39 लाख रुपीस की गाड़ी यस नो में मिलती है और 39 लाख रुपीस आपने ऑनर के अकाउंट में डालने हैं। डायरेक्ट पार्टी पेमेंट करवाएंगे इस गाड़ी की, अदर पेमेंट नहीं है। आपने पार्टी जिनके नाम गाड़ी है उनके साथ बैठोगे उनको आप 39 लाख रुपीस डालोगे। मैं भी काफी अच्छी तरह जानता हूं पार्टी को। मानते तो 43-44 लाख रुपीस है, मतलब मैं उन्हें जानता हूं अच्छी तरह, ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी प्रोफाइल की गाड़ी है, सीरियसली बता रहा हूं आपको। और गाड़ी भी ऑलमोस्ट अनटच है। यार ये क्या कर रहे हो, मिनी कूपर। ये कन्वर्टेबल के जो लवर्स है वो अलग ही होते हैं, जिन्हें मिनी कूपर कन्वर्टेबल चाहिए उन्हें वो मिलती नहीं। अगर मिल भी जाती है तो लो माइलेज नहीं मिलती। कितने चलिए? अगर मिल भी जाती है तो दिल्ली नंबर नहीं मिलती। चलिए कितनी है? दिल्ली नंबर है 2020 है, सिर्फ और सिर्फ 12,500 किलोमीटर चली है। मिनी कूपर कन्वर्टेबल एस वेरिएंट। प्लस पॉइंट अब इस गाड़ी में क्या है, JCW किट इंस्टॉल्ड है। ओके, कंपनी से JCW किट वाली आती है, वही गाड़ी है। नेक्स्ट टू न्यू गाड़ी आप देख सकते हैं। और प्राइस की अगर बात करें तो 48 लाख रुपीस की आस्किंग है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। आप आओ अपनी डील ग्रैब करो। ठीक है, फर्स्ट ओनर है ना? फर्स्ट ओनर, ठीक है। सेकंड ओनर वाला सीन बहुत कम है। ब्लैक स्कॉर्पियो, ब्लैक ब्यूटी, 2021 मॉडल, लगभग 40-42 हज़ार चली। महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 डीजल, सिंगल ओनर है, ढूंढने से नहीं मिलती और यूपी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें तो 16.5 है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर लेंगे। बहुत ज्यादा ब्लैक में रहती है गाड़ी और ब्लैक कलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये भी 16.5 की दे दो। ये देंगे हम 16,45,000 रुपए की आपको यस नो में। 2022 मॉडल है, थार है, पेट्रोल है, 4x4 ऑटो है, टॉप मॉडल है, सिंगल ओनर है, 16,45,000 रुपए की मिलती है ब्लैक कलर के अंदर। आप देख सकते हो बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू कार। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हैरियर आ गई। इसके अलावा थार के ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। और ये हैरियर नहीं है सर, ये देखो सफारी। इसमें आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने वो बोली थी, हैरियर हुआ। 3-4 ऑप्शन सफारी में मिल जाएंगे। इसके अंदर हम आपको एक अभी तो व्हाइट दिखा रहे हैं, इसमें हम आपको एक गोल्ड एडिशन भी दे देंगे। गोल्ड एडिशन भी दे देंगे, एक नॉर्मल में हम आपको डार्क एडिशन दोगे? डार्क एडिशन नहीं अवेलेबल, ब्लू कलर दे देंगे। हैरियर में डार्क एडिशन दे देंगे आपको। ठीक है, 2022 है, सफारी है, XZA+ टॉप है, सिंगल है, 7-सीटर कार आती है, टॉप एंड मॉडल है, कंपनी वारंटी के अंदर कार है, 20-22 हज़ार चली है। 20.5 लाख रुपए की आस्किंग है, लिटिल बिट नेगोशिएबल। ये 30 लाख वाला मॉडल है आज के टाइम पे। ये 30 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है, 31-32 लाख रुपए की रेंज में। हैरियर 20 कितने की दे रहे हैं? ये भी टॉप मॉडल है, 20 है, XZA+ है, गाड़ी लगभग चली है 40 हज़ार, सेकंड ओनर है। ये भी हमारे प्रीवियस क्लाइंट की कार है, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन है। ये 15.5 लाख रुपए की यस नो मिलती है गाड़ी, ये भी बहुत अच्छी मेंटेन है। इसके अलावा जो हम बता रहे हैं गोल्ड एडिशन में भी हम आपको यस नो में 20.5 लाख रुपए की दे देंगे। जो गोल्ड एडिशन आता है कलर व्हाइट है, गाड़ी चली है सिर्फ 13 हज़ार, व्हाइट कलर के अंदर ही मिलेगी आपको। गाड़ियाँ खत्म नहीं होंगी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, सही बात है। गाड़ियाँ अगर आपको कम बजट में गाड़ी चाहिए तो वो भी सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। 4.5 में 19 मॉडल सेंट्रो भी दे देंगे, 4.5 में 16 मॉडल ऑटोमेटिक इको स्पोर्ट्स भी दे देंगे। ठीक है, और ये कितने? 7.5 लाख का बजट लाओगे तो 19 मॉडल इको स्पोर्ट भी दे देंगे। ठीक है, ये कितने देंगे? इसके लिए आपको हमारा कैटलॉग देखना पड़ेगा, जो सभी सेल्स मैनेजर का नंबर है, क्योंकि गाड़ी जस्ट अभी आई है। ठीक है जी, नेक्स्ट अपनी MG अनरजिस्टर्ड एस्टर भी दे देंगे, सेम डील है, 28 वाली है, 1.3 टर्बो है, और ये भी सेम डील में दे देंगे। ठीक है, अगली स्लाविया स्कोडा की मात्र और मात्र 13,70,000 रुपए में मैनुअल टॉप मॉडल स्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट 5.5 लाख रुपए में आपको 18 मॉडल अमेज मिल जाएगी, लिटिल बिट नेगोशिएबल रहेंगे सभी गाड़ियों के प्राइस। ये चंडीगढ़ वाले भाई मेरे ध्यान रखे, पंजाब वाले, चंडीगढ़ वाले भाई, हरियाणा वाले, 2023 मॉडल है, सिटी है, VX है, CVT है, सिंगल है, सिर्फ और सिर्फ देंगे 12,85,000 रुपए में, सिटी VX CVT विद सनरूफ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट 2020 मॉडल सिटी, 4th जनरेशन, ऑटोमेटिक है, VMT है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी दे देंगे 8,90,000 रुपए में। नेक्स्ट 6,90,000 रुपए की दे देंगे 18 मॉडल VMT पेट्रोल सिंगल। कई मेरे भाई कहते हैं 4th जनरेशन में मुझे चाहिए टॉप एंड मॉडल, 2017 है, ZX है, CVT है, टॉप है, 60,000 ऑन रिकॉर्ड है, मात्र 7,70,000 रुपए में गाड़ी ढूंढ के दिखा देना। हाइब्रिड बढ़िया है भाई, कैमरी हाइब्रिड है। अब जो हम बोलते हैं ना जूम व्हील्स में मीटर बैक नहीं मिलता, एक उदाहरण देंगे, 2015 मॉडल है, कैमरी है, फेस लिफ्ट है, 6/15 में चेंज हो गई थी वही वाली है, ऑनर सीरियल सेकंड है, हाइब्रिड है, गाड़ी चली है 1,52,000 किलोमीटर विद ऑल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड। जेन्युइन है। अब बात रही प्राइस की, 11.5 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी, इतने किलोमीटर्स की 11.5 में भी आप दिल्ली NCR में गाड़ी नहीं ढूंढ पाओगे। ये लो जी मॉडिफाइड स्विफ्ट लो, 17 इंचेस अलॉयज एग्जॉस्ट बकेट सीट कवर गाड़ी में लगे हैं, 23 मॉडल है, VX है, पेट्रोल है, लगभग 20-22 हज़ार गाड़ी चली है, सिर्फ और सिर्फ 6.75 नेगोशिएबल। नेक्स्ट अगर बिल्कुल ही प्लेन लेनी है, 21 मॉडल है, तावड़ू है, VX है, पेट्रोल है, तावड़ू बोलो तो HR 96 रजिस्ट्रेशन तावड़ू का आता है हरियाणा में। ओके, 6 लाख रुपए की गाड़ी देंगे,
DXi है, पेट्रोल है, सिंगल है, 21 है। ठीक है जी, जीप। अब मेरे कुछ भाइयों को शौक होता है 4x4 गाड़ी लेने का, 16.5 लाख रुपए में 20 मॉडल जीप कंपास 4x4 ऑटो लॉन्गिट्यूड वेरिएंट दे देंगे। वैगनर भी गाड़ी 38,000 चली है, वैगनर हमारी नहीं है, पार्कन कंपनी है। 2021 मॉडल बलिनो जेटा पेट्रोल सिंगल ओनर 7 लाख रुपए मांग रहे हैं, नेगोशिएबल ऑन टेबल है, गाड़ी चली 35-40 है पर बहुत अच्छी मेंटेन है। नेक्स्ट बलिनो 5.25 लाख रुपए में 18 मॉडल बलिनो सिर्फ और सिर्फ 40,000 चली, 1 लाख नहीं चली है, सिर्फ 40,000 चली है, डेल्टा वेरिएंट है। नेक्स्ट 5,90,000 रुपए में 2020 मॉडल इलाइट मेगना प्लस सिंगल ओनर दे देंगे आप। ये मैं ढूंढने गया था भाई, ये गाड़ी वाकई अगर आप इसकी प्रोफाइल देखो ना एक बार, वो वाली में और इस वाली में बहुत अंतर है भाई। ये न्यू शेप में है, जो लेटेस्ट शेप आज की डेट में चल रही है, चिरोकी लगती है ना, चिरोकी ग्रैंड चिरोकी जीप की बिल्कुल वैसी शेप है, सस्ती मिलेगी। नई गाड़ी तो भूल गई मत लेना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत महंगी है, लोग इसलिए भी उसको नहीं लेते, नहीं ये काफी महंगी है। लेकिन आज का प्राइस क्या? 33 लाख रुपीज के आसपास गाड़ी प्लस है भाई, प्लस पर। 2021 मॉडल है, जीप कंपास है, लिमिटेड ऑप्शनल है, डीजल है, सिंगल ओनर है, लेटेस्ट शेप है, ग्लास टॉप, इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 17,000 ऑन कंपनी रिकॉर्ड। प्राइस की बात करें, आधे में दे दो, प्राइस की बात तो करो ना मेरी जान, 16.5 लाख रुपए की गाड़ी देंगे, आधे में दे दी ना, 16.5 लाख रुपए मिलेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि न्यू मत लेना। चलो अगली आ जाओ, 18 फॉर्च्यूनर का मन ना हो, एंडेवर का मन ना हो, क्योंकि क्या होता है इस बजट में आपको फॉर्च्यूनर एंडेवर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए में 2018 मॉडल इसुजु ऑटो MUX दे देंगे हम 13 लाख रुपए में। GLA 2014 है, दिसंबर है, 1,15,000 ऑन रिकॉर्ड है, 9 मीटर टेम्परिंग, 14 लाख की चाहिए, 14 लाख की चाहिए भैया, 13 लाख की चाहिए, 12 लाख की चाहिए, 10 लाख की चाहिए, 9,90,000 रुपए की जूम व्हील्स पे मिलेगी, यस नो में कोई नेगोशिएशन नहीं, देख लो फिर बाद में। 9,90,000 रुपए की 2014 मॉडल GLA दे दी, जाओ लग्जरी का सपना पूरा करो, 9,90,000 और 19 मॉडल 4,90,000 रुपए की ग्रैंड भी दे दी पेट्रोल की, दिल्ली में गाड़ी अवेलेबल नहीं है ग्रैंड, और अगर किसी भाई को चाहिए मैनुअल सनरूफ के साथ नेक्सोन, 2018 मॉडल है, XZA प्लस है, सनरूफ है, सेकंड ओनर है, और अगर हम प्राइस की बात करें तो जूम व्हील्स पे गाड़ी अवेलेबल है मात्र और मात्र 6,40,000 रुपए। क्या बात है भाई, ये था भाई आज जूम व्हील्स 640 ओनली जो स्टॉक दिखाया भाई, बड़ा मजा आया। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, 7 डेज यहाँ पे आपको सर्विस मिलते हैं, और भैया आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, भैया कुछ बताइए। सर देखो, नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन पे आप आएंगे, NDM 1 बिल्डिंग है हमारी, जूम व्हील्स का ऑफिस है। अगर आपको फाइनेंस कराना है अपनी गाड़ी पे तो हम अवेलेबल है, जब मर्जी करा देंगे। अगर आप हमारे से कार लें, सेल परचेज एक्सचेंज जो मर्जी करें, यूज कार में आप फाइनेंस कराएं, इंश्योरेंस कराएं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जूम व्हील्स पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कॉमेंट करके जरूर जाना कि कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट लगी और कौन से स्टेट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये भी जरूर हमें कॉमेंट करके बताएं। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं विदा, और इस ईद के मौके पे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, जूम व्हील्स पे हैं, स्क्रीन शॉट लेके आओगे तो आपको ट्रांसफर के पैसे भी नहीं देने, NOC फ्री और NOC भी आपको फ्री मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री।